हेलो स्टूडेंट्स, नाउ प्रोबेबिलिटी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, चांस टू हैपन समथिंग, कुछ होना। और अगर कुछ होना है तो उसके जो प्रिडिक्शंस लगाए जाते हैं उसके होने से पहले हम कहते हैं कि इस बात के होने के कितने चांस हैं, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और वही यहां पर डिस्कस करना है। सेवन्थ से टेंथ तक आपने प्रोबेबिलिटी हर साल पढ़ी हुई है और धीरे धीरे उसका लेवल भी बढ़ा है। इलेवंथ में और प्रोबेबिलिटी का लेवल बढ़ेगा, ट्वेल्थ में भी इस प्रोबेबिलिटी है और भी ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा। तो इलेवंथ और ट्वेल्थ की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है प्रोबेबिलिटी के, इसलिए आज थोड़े से बेसिक्स पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और फिर इलेवंथ के सिलेबस पर भी जाएंगे। तो आप देखिए कि आप अपने डेली लाइफ में कई बार प्रिडिक्शंस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज अगर आपको बाहर अगर आसमान में काले बादल नजर आ रहे हैं तो हम पहले से प्रिडिक्शंस लगाते हैं कि मौसम अभी अभी चेंज हुआ है तो आज बारिश होगी या नहीं होगी। उसके बाद अगर मान लीजिए कि पहले से कोई गवर्नमेंट हॉलिडे डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन उस पर्टिकुलर डे पर कुछ भी नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कुछ भी चेंजेस आते हैं, कोई घटना ऐसी होती है जिसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि कल स्कूल की छुट्टी हो, है ना। तो इस तरीके से हम जो ये पहले से किसी न किसी बात को लेकर प्रिडिक्शंस लगाते हैं, ये ही प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी घटना के होने के कितने चांस हैं। तो ये जितनी भी प्रिडिक्शंस हम लोग लगाते हैं इसको बेसिकली थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक इम्पॉसिबल टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन का मतलब होता है कि ये घटना होना बिल्कुल ही असंभव है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी है ना उस घटना के होने के जो चांसेस हैं वो जीरो हो जाते हैं। कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ऐसा हो सकता है बट निश्चित नहीं है, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि ये मतलब हो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां पर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। उससे पहले ये देख लीजिए, सर्टन टू हैपन, यहां सर्टन टू हैपन से मीनिंग है कि हाँ इसके फुल चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं इस घटना के होने के। तो इसलिए क्योंकि फुल चांसेस होते हैं इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वन। इसलिए जब हम बात करते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी की कि कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो से वन के बीच में शफल करती है। इसलिए अगर हम लोग टोटल अगर बात करें तो आप लोग एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर और इक्वल होती है और लेस देन और इक्वल टू वन होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल भी हो सकती है, वन के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन जीरो से वन के बीच में रहेगी। जीरो से कम भी नहीं हो सकती है और वन से ज्यादा भी नहीं हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव आती है तो हम कह देंगे कि ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन से ऊपर जाती है, मान लीजिए 1.4 जाती है, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि प्रोबेबिलिटी वन से ऊपर नहीं हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे आंसर आते हैं प्रोबेबिलिटी के, जैसा कि आप पहले कर चुके हो टेंथ तक, तो जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारा आंसर आता है तो कभी भी हमारा आंसर इस तरीके से नहीं आता है 5/3, क्योंकि न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रोबेबिलिटी के केस में। हाँ, 3/5 आंसर हो सकता है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब 0 से 1 के बीच में ही इसका आंसर होगा। इसलिए आपको ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए अपने आंसर को लेकर, कि कहीं आप कोई क्वेश्चन में अगर गलत भी कर दें तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या मिस्टेक की है। सो इम्पॉसिबल टू हैपन का अगर हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन में बात करूं, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करूं, तो हम कह देंगे कि टुमारो सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट। हम ऐसा कह देंगे कि कल सूरज जो है वो पश्चिम दिशा से उदय होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कि टुमारो सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट,
इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल टू हैपन में आता है। अगर मैं बात करूं कि सर्टेन टू हैपन की, मान लीजिए मैं सर्टेन टू हैपन की बात करूं, तो हम क्या कहेंगे कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट टुमारो, सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं तो वो सर्टेन टू हैपन में आएगा, क्योंकि 100% कल जो है वो सूरज पूर्व से ही उदय होगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो 100% हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। लेकिन मैं यहां पर मैं अगर कहता हूं कि ओके इट विल रेन टुडे, अगर मैं कहता हूं इट विल रेन टुडे, मैंने बाहर का मौसम देखा और मैंने कह दिया कि आज बारिश होगी, तो हो भी सकती है पर जरूरी नहीं है। हो सकता है कि लग रहा है ऐसा पर बारिश हो ही ना, या फिर हो भी सकता है कि बारिश हो जाए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं, मतलब इसके जो आउटकम्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, मतलब 0 से 1 के बीच में होंगे, चांस है भी और नहीं भी है, जिसको कई बार 50-50 भी कहा जाता है कि 50-50% चांसेस हो या नहीं हो, तो उसको 50-50% के अंदर रखा है मैंने, यहां 0 से 1 के बीच में बता दिया है उसको। तो ये अब अगर हम इसी को हमारे क्वेश्चंस के फॉर्म में, ये तो हमने जनरलाइज्ड फॉर्म में बात कर ली है कि प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, लेकिन अगर मैं कुछ इवेंट की बात करूं यहां पर, तो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 4 टाइप के इवेंट की मोस्टली बात की जाती है, और फिर बाद में उसको समझने के बाद में आप धीरे धीरे फिर दूसरी चीजें भी आपको समझ में आने लग जाती हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉइन्स पे बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस होते हैं डाइस पे बेस्ड, फिर कार्ड्स पे बेस्ड होते हैं और बॉल्स पे बेस्ड होते हैं। ये मेनली क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में मिल जाएंगे और इनका धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाता है, तो हम लोग इसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिक। कॉइन्स की बात करते हैं पहले, तो अगर हम कॉइन्स की बात लेंगे तो आप देखिए, जब मैं एक कॉइन लेता हूं, 1 कॉइन, और 1 कॉइन को अगर मैं थ्रो करता हूं, उछालता हूं अगर एक कॉइन को, तो उस कॉइन के 2 आउटकम्स हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, और वो है हेड या टेल। ठीक है, एक कॉइन अगर है तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है वो है हेड या टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये जो मेरे हेड, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आएगा दोनों में से एक ही, पर टोटल चांसेस क्या हैं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये जो टोटल चांसेस होते हैं ना, टोटल पॉसिबिलिटीज, इनको बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये आउटकम्स भी हो सकते हैं और इवेंट्स भी हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, टोटल पॉसिबल इवेंट्स भी बोल सकते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं। और इसमें से ये जो हर एक आउटपुट है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको फेवरेबल आउटकम्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि इफ अ कॉइन इज थ्रोन देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब टेल तो एक ही आ सकता है, एक ही चांस है उसके टेल आने के, तो इसलिए जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है कि जो कंडीशन दी हुई है, और कंडीशन है टेल आने की, इसलिए ये जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो 1 होंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे 2, हेड और टेल दोनों। इसलिए जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहां पर आपको फेवरेबल वर्ड और यहां डिनोमिनेटर में पॉसिबल वर्ड याद रखना चाहिए। फेवरेबल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एंड पॉसिबल का मीनिंग होता है जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस है वो सब। तो यहां पर
फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 2, इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि टैल ही आना चाहिए कॉइन थ्रो करने पर, उसके चांस जो होंगे वो हाफ चांस होंगे, 1/2। इसी तरीके से अगर हम दो कॉइन की बात करेंगे, मान लीजिए कि दो कॉइन आपने अगर थ्रो किए हैं, अब यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि दो कॉइन आपने एक साथ उछाले और या फिर आपने एक ही कॉइन को दो बार उछाला, ये दोनों ही इवेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, इन दोनों के आउटपुट्स जो होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। सो थ्रो अ कॉइन टू टाइम्स इज इक्वल टू थ्रो टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। दो कॉइन को एक साथ उछालो या एक कॉइन को दो बार उछालो, इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अब देखिए, ये जो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी कॉइन को फेंकने पर, वो 2^n से रिप्रेजेंट करते हैं हम, जहां पर n जो है वो है नंबर ऑफ कॉइन्स। जैसे मान लीजिए कि एक ही कॉइन है तो 2^1 इज इक्वल टू 2, मान लीजिए टू कॉइन है सो 2^2 4, और 3 कॉइन्स है तो 2^3 8। मीन्स ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे इतने होंगे। अब ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स को लिखते कैसे हैं, जैसे 2^4 हुआ, 4 कॉइन अगर हुए, या एक ही कॉइन को 4 टाइम्स थ्रो किया है, या फिर 4 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया है, उन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो 2^4 मीन्स 16, तो ये आउटपुट्स होंगे। अब इन आउटपुट्स को लिखना कैसे है, क्योंकि हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम लोग एक कॉइन के केस में तो हेड और टेल हम बता सकते हैं, दो कॉइन के केस में हम बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट क्या होता है कि 3 कॉइन या 4 कॉइन ऐसे जब बढ़ते जाते हैं तो वहां पर फिर हमें दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको एक यहां पर तरीका बता रहा हूं कि जिससे आप ये आउटकम्स अच्छे से लिख पाए। तो आप देखिए कि जैसे 2^3 है और हमें ये 8 आउटपुट लिखना है, तो आप देख लीजिए कि 2^3 इज इक्वल टू क्या है, 8 है। इस 8 को आप हाफ कीजिए, 8 का हाफ हो जाएगा 4, तो आप यहां पर 4 हेड लिख लीजिए और 4 टेल लिख लीजिए, उसका जो हाफ किया है हमने 8 का, तो ये 4 हेड और 4 टेल लिख लीजिए। फिर इस 4 का भी हाफ कीजिए, 4 का हाफ होता है 2, तो आप यहां पर 2 हेड लिख दीजिए, 2 टेल लिख दीजिए, और फिर 2 हेड लिख दीजिए और फिर 2 टेल लिख दीजिए, और फिर इस 2 का भी आप हाफ कीजिए, तो 2 का हाफ 1 होता है, तो आप एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल लिख दीजिए। तो ये जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 3 कॉइन को थ्रो करने पर। अब यहां पर आपसे अगर कह दिया जाए कि इफ आई थ्रो 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। अब यहां पर इस एटलीस्ट वर्ड पे ध्यान दीजिए आप, यह एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम। अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, और एक से ज्यादा हेड भी आ सकता है, पर एक से कम हेड नहीं होना चाहिए। अब आप अगर यहां पर देखेंगे एटलीस्ट 1 का केस, तो एटलीस्ट 1 हेड यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां 2 है, तो एटलीस्ट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की तो कोई रेंज नहीं है। तो ये जितने भी आउटकम्स हैं इन सभी में एटलीस्ट 1 तो है, कम से कम एक तो है, फिर ज्यादा से ज्यादा तो फिर तीनों ही हेड हो सकते हैं। तो सिर्फ ये एक ही केस ऐसा है जिसमें कि हेड नहीं है, इसलिए हम ये 7 लेंगे। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी हम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 7 आर द फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी विल बी 7/8। एटलीस्ट 1 टेल, अब जब आप एटलीस्ट 1 टेल की बात करते हैं तो उसमें फिर ये आउटपुट छूट जाएगा और ये बाकी के 7 आउटपुट्स आ जाएंगे, एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 7/8 हो जाएगा एटलीस्ट 1 टेल के केस में भी, ये भी हो जाएगा 7/8। लेकिन अगर इसी में हम बात करें एटलीस्ट 2 की, एटलीस्ट, अच्छा अब एटलीस्ट से पहले मैं आपको एटमोस्ट भी बता देता हूं, फिर हम एटलीस्ट का भी क्वेश्चन कर लेंगे। एक एटलीस्ट के साथ साथ एटमोस्ट वर्ड भी यूज होता है। आप देखिए क्वेश्चंस एटमोस्ट पे भी पूछे जाते हैं, तो एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, यहां कम से कम था और यहां ज्यादा से ज्यादा है। तो एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। जैसे एटलीस्ट 2 हेड, मान लीजिए एटमोस्ट 2 बोल दिया, एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। तो अब आप यहां पे देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब कि उससे कम, यानी कि एक हेड या 0 हेड भी हो सकता है बट 2 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए ये 2 हेड है, ये 2 हेड है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 हेड है, यहां 1 है, यहां 1 है, है ना, और यहां पर एक भी हेड नहीं है। तो उन्होंने एटमोस्ट का मतलब यह है कि मैक्सिमम वाली कंडीशन दी हुई थी, मिनिमम वाला कुछ भी नहीं दिया था। तो मिनिमम में तो 0 भी आ सकता है और मैक्सिमम में कितना आना चाहिए, एटमोस्ट 2, यानी फिर से ये 7 कंडीशन आ जाएगी। तो इसका भी आउटपुट 7/8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट के केस में भी। और एटमोस्ट अगर 1 बोल दिया है कि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, अगर यहां पर यही कंडीशन दे दी एटमोस्ट 1 हेड, मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कितने हेड होने चाहिए, 1 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम तो फिर 0 भी हो सकते हैं। तो यहां देखिए ये 0, ये 1 हेड, ये 1 हेड, ये 2 है इसको नहीं लेंगे, ये 1 हेड, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, मतलब मुझे सिर्फ 1 2 3 और 4, ये 4 आउटपुट ही रहेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 4/8 यानी 1/2, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 हेड की। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट मतलब मिनिमम और एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। सो मैं यहां लिख देता हूं एटलीस्ट या मिनिमम और एटमोस्ट या मैक्सिमम, ये वर्ड्स यूज होते हैं क्वेश्चंस में, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं डाइस का केस। देखिए जब सिंगल डाई होती है तो उसे डाई कहते हैं और एक से ज्यादा होती है तो उसे डाइस कहते हैं। अब डाई का केस क्या होता है कि इफ आई थ्रो अ डाई देन हाउ मेनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स वुड बी देयर, सी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये होंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। आप ध्यान रखिएगा ये 11th की जो प्रोबेबिलिटी है उसके ये नोटेशंस हैं, सैंपल स्पेस जिसको एस से डिनोट करते हैं, जो कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो एक डाई के केस में 1 2 3 4 5 ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे, मतलब एक डाई को मैंने अगर फेंका है तो इन 6 में से कोई भी एक नंबर डाई पर आ सकता है, ठीक है। अब क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 थे और उसमें से किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट ओनली अबाउट 1। आप ये 1 मत समझिएगा, 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। लेकिन अगर इसी में ये क्वेश्चन कहा जाए कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो जब आप, ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे, और जब आप इसमें ऑड नंबर्स निकालेंगे तो ऑड नंबर हो जाएंगे 1 3 5, तो ये जो होंगे ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये फेवरेबल आउटकम्स।
और अगर ये फेवरेबल आउटकम्स हैं तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब अगर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछेंगे तो वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसलिए टोटल फेवरेबल आउटकम्स हुए 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए 6, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/6 हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी। आपको एक बात पर ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर होगा वो फाइनल सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर होगा। हम लोग सिर्फ 3/6 लिखकर नहीं आ सकते, हमें 1/2 लिखना होगा, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। ये 1/2 की बात हो गई। अब मान लीजिए कि 1 की बजाय 2 डाइस है। सो इन केस ऑफ 2 डाइस व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आउटपुट्स। अब आप देखिए कि अगर यहां पर 2 डाइस है, अब जैसा कि मैं आपको अभी कॉइन के केस में बता चुका हूं कि आप 2 कॉइन को एक साथ आप उछालिए या फिर आप एक ही कॉइन को 2 बार उछालिए, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो वैसे ही यहां पर भी है कि आप 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं और या फिर 1 डाइस को 2 बार फेंककर और आउटपुट नोट करते हैं, इन दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। तो जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप खुद देखिए। मान लीजिए जो दूसरी डाई है पहली पे 1 आता है, दूसरी पे 2 आता है। पहली पर 1, दूसरी पे 1। पहली डाई पे तो 1 ही है लेकिन दूसरी पे चेंज हो जाता है 2। पहली पे 1 ही है, दूसरी पे चेंज हो जाता है। इस तरीके से आपके ये इन 1 सेकेंड डाई पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो आउटपुट्स हैं उनके साथ फर्स्ट डाई पे हमने 1 आउटपुट ही रखा है, और जैसे ये पहले पर हमने 1 ही रखा है वैसे ही इस पहले पर 2 भी आ सकता है, इस पर ये 3 भी चेंज हो सकता है, इस पे ये 4 भी चेंज हो सकता है और इस पर ये 5 भी चेंज हो सकता है और इस पे ये 6 भी चेंज हो सकता है। इट मींस कि जैसे फर्स्ट डाई पर 1 नंबर के साथ इन 6 का कॉम्बिनेशन बना था, वैसे फर्स्ट डाई पर 2 के साथ इन पूरे 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर यहां पर 3 के साथ पूरे 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यहां 4 के साथ पूरे 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यहां 5 के साथ पूरे 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा और यहां 6 के साथ पूरे 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये जो पूरे कॉम्बिनेशन बने हैं ये 6 × 6, ये एक रो में कितने हैं? 6 कॉलम्स हैं। तो 6 × 6 टोटल हमारे जो आउटपुट्स हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट विल बी 36। अब इसमें क्या होता है कि एक वर्ड आता है डबलेट्स। जब आप 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हो तो फर्स्ट डाई पर जो आउटपुट होता है और दूसरी डाई पर जो आउटपुट होता है वो अगर सेम हो तो उसे डबलेट्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट पे भी 1, सेकंड पे भी 1, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे भी 2, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे भी 3, फिर 4, 4, फिर 5, 5 और फिर 6, 6, इसे डबलेट्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर 2 डाइज हैं और दोनों डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो उसमें डबलेट्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी, अगर ये कहा जाएगा तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो ये 6 होंगे और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो तो 36 है, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6/36 यानी कि 1/6 हो जाएगी। तो ये केस हुआ डबलेट्स का। इसी तरीके से इसमें 2 डाइस का केस में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सम मस्ट बी ग्रेटर देन 10, सम मस्ट बी लेस देन 5, इस तरीके से आप कंडीशन अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सम है दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका जो सम है वो लेस देन 5 होना चाहिए। अब लेस देन अगर 5 होना चाहिए तो आप खुद ही देख लीजिए कि फर्स्ट डाई पे अगर 1 रखा तो लेस देन 5 का केस तो 1,1 भी हो सकता है, 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है। अब अगर लेस देन 5 कहा है तो 1,3 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब 1,4 लेंगे यहां पर, ये देखिए जब 1,4 मैंने लिया तो 1 + 4 एडिशन क्या हो गया? 5 हो गया, और हम लेस देन 5 की बात कर रहे हैं, मतलब ये हमें नहीं लेना है।
ये तीनों केस लेना है, क्योंकि इन तीनों केस में 1+1 2, 1+2 3 और 1+3 4, यानी ये लेस देन 5 ही आ रहा है। सम मस्ट बी लेस देन 5, ऐसी कंडीशन हमें दी हुई है। तो फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, और इसी तरीके से ये पलट भी सकते हैं, जैसे फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 2। अब 2 और 3 ले नहीं सकते, और वैसे ही यहां पर 3,1, अब इससे आगे 3,2 नहीं ले सकते, और उससे बड़ा कोई नंबर नहीं ले सकते, और आगे 4 वाली तो सीरीज ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर 4,1 लेने जाएंगे वैसे ही वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो कंडीशन सम इज लेस देन 5 की है। तो इसलिए आपके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो टू डाइस के जो हैं वो 36 है ही, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6/36, यानी कि अगेन 1/6 हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप नंबर ऑफ डाइस की बात करें, तो जैसे कॉइन्स के केस में 2^n जो होता है वो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देता है कॉइन्स के, वैसे ही नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डाइस के केस में 6^n देता है। ये एन जो होता है वो नंबर ऑफ डाई होती है, तो नंबर ऑफ डाइज मतलब अगर आपकी 6^1 डाई है तो 6 आउटपुट होंगे, 6^2 मतलब 36 होंगे। इसी तरीके से अगर 3 डाइज का केस हुआ तो 6^3 मीन्स 36 × 6, सो दैट विल बी 216, तो 216 आउटपुट होंगे। और वो 216 आउटपुट्स कैसे होंगे आप खुद ही देख लीजिए, यहां जो ये हम लोगों ने पूरे 36 आउटपुट लिख के रखे हुए हैं, तो ये आपके 36 आउटपुट तो हो गए। जैसे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 1 डाई के आउटपुट थे, और इसी के आगे हम लोगों ने 1 के पूरे 6 कॉम्बिनेशन, इसी के आगे 2 के सारे कॉम्बिनेशन, इसी के आगे 6, 3 लगाकर और सारे कॉम्बिनेशन, फिर 4 लगाकर सारे कॉम्बिनेशन बनाए, वैसे ये 36 आउटपुट के आगे यहां पर इन पूरे 36 आउटपुट के आगे हम यहां पे 1, 1 ऐड कर देंगे, 1, 1, 1, 1, 1 इन सभी के आगे 1, 1 लगा देंगे, मतलब इस तरह से। सबसे फर्स्ट वाला तो ये होगा, और ये जो 36 नंबर का होगा ये 1,6,6 होगा, इन सभी के आगे 1, 1 लग जाएगा, तो 1, 1, 1 से लेकर 1, 6, 6 तक पूरे 36 बनेंगे। ऐसे ही 2, 1, 1 से लेकर 2, 6, 6 तक फिर 36 बनेंगे, ऐसे ही 3, 1, 1 से लेकर 3, 6, 6 तक पूरे 36 बनेंगे। तो ये 36 है, और ऐसे 1 को लगाएंगे तो 36, 2 को लगाएंगे तो 36, ऐसे पूरे 6 तक 36 × 6, दैट विल बी 216 आउटपुट्स पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही हम अगर कार्ड्स की बात करें, प्लेइंग कार्ड्स की, यहाँ तो पैक ऑफ 52 कार्ड या डेक ऑफ 52 कार्ड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, और ये 52 कार्ड्स होते हैं। और ऐसे ही जो 52 कार्ड्स हैं वो थर्टीन 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 की 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, 13 13 कार्ड्स की, जिसमें से ये जो दोनों कैटेगरीज होती हैं वो रेड और ब्लैक दो कलर में डिवाइड होती है। पैक ऑफ कार्ड्स जो होता है वो दो कलर में डिवाइड होता है, और ये जो 13 13 की कैटेगरी है, ये 13 की कैटेगरी ये हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स और स्पेड्स में डिवाइड होती है।
ये चार कैटेगरीज होती हैं, ये दोनों रेड कलर के होते हैं और ये क्लब्स और स्पैट्स ये ब्लैक कलर के होते हैं। फिर ये जो हार्ट्स के जो हर एक कैटेगरी के 13 13 जो कार्ड्स होते हैं, वो 13 कार्ड डिवाइड होते हैं। सबसे पहला कार्ड होता है एस, फिर उसके बाद 2 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं, सॉरी 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स होते हैं, और उसके बाद फिर जेक, क्वीन और किंग। तो ये जो 2 से लेकर 10 तक होते हैं, ये होते हैं 9 कार्ड्स, और ये जो चारों कार्ड्स होते हैं, इन चारों कार्ड्स को बोलते हैं पिक्चर कार्ड्स, और ये जो 3 कार्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि अगर आपने पैक ऑफ कार्ड्स देखा होगा तो उसमें जो जैक, क्वीन और किंग बने हुए होते हैं, इनके फेसेस बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें फेस कार्ड्स कहते हैं। और क्योंकि ये एस जो होता है, जिसको कि हम इक्का कहते हैं, और ये जैक, क्वीन और किंग होता है, तो ये जो चारों कार्ड्स होते हैं, ये कुछ थोड़े डिजाइनर बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें पिक्चर कार्ड्स कहते हैं। और 2 से लेकर 10 तक इन्हें नंबर कार्ड्स बोलते हैं, और ये टोटल 9 होते हैं। तो आप खुद ही देखिए कि अगर हम पिक्चर कार्ड्स की बात करें, तो क्योंकि 4 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी का 4 है, तो 4 × 3 इज इक्वल टू, सॉरी 4 × 4, तो टोटल 16 हो जाते हैं। फिर अगर हम फेस कार्ड की बात करें, तो 4 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में 3 कार्ड्स हैं फेस कार्ड, तो 4 × 3 = 12 टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे। नंबर कार्ड्स जो हैं वो टोटल 9 कार्ड्स हैं, ठीक है, हर कैटेगरी के 4 हैं और ऐसे 9 कार्ड्स हैं, 4 × 9 = 36, तो टोटल 36 कार्ड्स हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे 52 कार्ड्स जो होते हैं, उसमें पिक्चर कार्ड्स टोटल 16 होते हैं, हर कैटेगरी के 4 कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड हर कैटेगरी के 3 होते हैं, ऐसे टोटल 12 कार्ड्स होते हैं। नंबर कार्ड्स अगर आप देखें तो 9 नंबर कार्ड्स होते हैं एक कैटेगरी के, तो 4 कैटेगरी के टोटल 36 नंबर कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह से ये पूरे इसमें कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, और इसी के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस की बात करें, तो आप समझिए कि पूरे क्वेश्चन की शुरुआत होती है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडमली। यहां पर जो रैंडमली वर्ड है, उस रैंडमली का मीनिंग है कि बिना देखे, मतलब आपने पहले से, आपको पता नहीं है, आपने कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं लगाया है, आपने उसमें कुछ भी चीटिंग नहीं की है, तो अगर आप बिना चीटिंग किए या बिना पहले से कुछ सोचे अगर आप एक कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस कार्ड को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप रैंडमली एक कार्ड सिलेक्ट करते हैं, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड। तो क्योंकि ब्लैक कार्ड 52 कार्ड्स हैं और ब्लैक और रेड दोनों 26 26 में डिवाइड है, इसलिए 26/52 यानी 1/2 हो जाएगा ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी 26/52 यानी 1/2 हो जाएगी। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट्स, तो 13/52। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड्स, 13/52 यानी 1/4। इस तरह से व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी पिक्चर कार्ड, सो 16/52, उसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, सो 12/52। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर कार्ड, 36/52। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड नंबर कार्ड, तो देखिए रेड नंबर कार्ड अगर रेड में है और फिर नंबर कार्ड निकालने हैं, तो अगर वन कैटेगरी के 9 है, तो 9 × 18, मतलब रेड के 18 होंगे और ब्लैक के 18 होंगे नंबर कार्ड, सो 18/52 हो जाएगा। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, सो क्योंकि क्वीन एक कैटेगरी में एक ही है, इसलिए 4 कैटेगरीज में 4 होंगी, सो 4/52 हो जाएगा। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, 4/52। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक जैक, सो ब्लैक कलर में तो 2 ही जैक हैं, एक क्लब्स का है और एक स्पेड्स का है, सो 2/52 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चंस में इन सबको यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं ला
लास्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करूं बॉल्स के, तो बॉल्स में क्या हो जाएगा कि इन अ बेड देयर आर फोर रेड, थ्री ग्रीन, टू येलो एंड वन ब्लू बॉल। ये ब्लू बॉल वन है, येलो बॉल टू है, ग्रीन बॉल थ्री है और रेड बॉल फोर है एक बैग में। एंड इफ वन बॉल इज सिलेक्टेड रैंडमली, अब यहाँ रैंडमली का मतलब है कि बैग में या बॉक्स में बॉल्स हैं और बिना देखे उसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल? सो टोटल 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो टोटल 10 बॉल्स हैं बैग में, मतलब 10 में से कोई भी बॉल बाहर आ सकती है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे, क्योंकि बैग में से जब हम एक बॉल निकालेंगे तो ये पूरी 10 बॉल्स हैं बैग के अंदर, हमें नहीं पता कौन सी बॉल हमारे हाथ में आएगी। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी टोटल बाहर जो बॉल्स आ सकती हैं वो है 10, लेकिन इसमें से बॉल तो एक ही आएगी और वो बॉल के ग्रीन होने के चांस क्या है कि इन तीनों ग्रीन बॉल में से ही कोई बॉल आ सकती है। सो हम फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए वो होंगे 3, इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/10। इसी तरह से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/10 एंड रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/10। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन एक और फॉर्मूला है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कहता है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के, यहां पर ए अगर हम एक इवेंट मान लें, ए एक इवेंट है, सो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसे ए बार या ए डैश और या फिर इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। तो किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। इसलिए अगर आपको किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और अगर उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप उसको 1 में से माइनस कर देंगे। अगर किसी इवेंट के आपको होने की प्रोबेबिलिटी पता है बट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो आप उसको 1 में से माइनस करके और आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल? सो 3/10। बट अगर हम कहें व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए, तो अब सीधी सी बात है कि अगर ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए तो मतलब ये 4 रेड 2 येलो और 1 ब्लू में से कोई भी बॉल आ सकती है। सो 4 + 2 + 1 7/10 हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे, हमें किसी क्वेश्चन में कहा है कि नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, तो मतलब हमको उसको ग्रीन बॉल के रास्ते से ही करना है। तो पहले हम कंसिडर करेंगे कि व्हाट विल बी द, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। यहां पर ग्रीन बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है तो 4 + 2 + 1 यानी 4 ग्रीन बॉल नहीं आएगी तो रेड येलो या ब्लू में से कोई आएगी, तो 7/10 ही आंसर है उसका। बट उस आंसर को हम कैसे निकालेंगे? उस आंसर को हम निकालेंगे कि अगर ग्रीन बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हम पहले ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और वो है 3/10। तो यहां पर अगर हमें ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी पता है और ग्रीन बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम 1 - 3/10 करेंगे, तो ये 10 - 3/10 यानी 7/10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले किसी की होने की प्रोबेबिलिटी और फिर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और दोनों का सम हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये 3/10 ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी है और ये 7/10 नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। सो 10/10 इज इक्वल टू कंप्लीटली 1 आ जाएगा और पूरी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहां पर देखिए आप, एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जो होती है सारे इवेंट्स की जितने भी हैं उनकी सबकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। जैसे यहां पर देखिए 1/10 2/10 3/10 4/10 और इन सबको आप प्लस कर देंगे तो 10/10 यानी 1 आ जाएगा। तो ये यहां तक जो है आपका, ये बेसिक है पूरा प्रोबेबिलिटी का।
इससे आगे के वीडियो में मैं अब 11th लेवल पर प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा। ओके।